हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। डेली करंट अफेयर सुबह 8 बजे, जनरल साइंस सुबह 9 बजे, मैथ्स मैजिक शाम 5 बजे, रेलवे की रीजनिंग शाम 6 बजे, मंडे टू फ्राइडे बैक टू बैक क्लासेस, लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी के साथ हूँ जनरल साइंस के लाइव सेशंस लेकर, जो कि आरआरबी ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन और अन्य सभी एग्जाम्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो आशा करता हूँ कि अभी तक आपकी साइंस की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। मैं सिर्फ आपसे एक बात कहना चाहता था, हमेशा से कहता हूँ कि आप लगातार एमसीक्यू लगाते रहना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लगाने में जरा भी कोताही मत करना, जरा भी लापरवाही मत करना। लगातार लगाते रहोगे, पिछला भी रिवाइज होता रहेगा, कुछ नई चीज़ें भी रिवाइज होती रहेंगी। और मैं आपको जिस ढंग से तैयारी करा रहा हूँ आप करते रहिए, अपना दोनों तरीके से चल रहे हैं, थोड़ा सा नॉलेज भी लेते हैं कहीं कहीं, और कहीं कहीं हम लोग बिल्कुल एकदम एग्जाम पॉइंट टू पॉइंट की बात भी करते हैं। तो आज जो है, हालांकि मुझे केमिकल बॉन्डिंग करानी थी लेकिन मैं केमिकल बॉन्डिंग अभी नहीं कराऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आज के पेपर की जो चीज़ें हैं, वो मतलब आज का जो चीज़ें हैं वो पेपर में बहुत पूछी जाती हैं। अगर आपने एक दो एग्ज़ाम किसी ने दिए होंगे पहले तो आपको लगेगा कि हाँ उसमें से चीज़ें पूछी जाती हैं। तो मैं सर से निवेदन करूंगा कि वो पहली स्लाइड थोड़ा सा लगाएं, और तब तक आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, कुछ चीज़ों को नोट करने के लिए कहूँगा, फटाफट से नोट कर लेना उनका काम, वो कहाँ पर काम आती हैं और कैसे, उनके बारे में बीच बीच में भी बताता चलूँगा, मतलब अगली क्लासेस में भी और अभी भी, ठीक है। जिसको आवाज़ वगैरह आ रही है, पिक्चर नहीं आ रही है, वो एक बार रिफ्रेश कर लीजिए क्योंकि यहाँ से वीडियो अच्छे से शुरू हो चुकी है। गुड मॉर्निंग, वेलकम। आप लोग रात में भी पढ़ते हो, फिर दिन में भी मुझसे पहले उठ जाते हो, इस बात का भी आप लोगों को बहुत बहुत सैल्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं उठने में थोड़ी आजकल वो बरतने लगा हूँ। हालांकि 1 तारीख से ठीक हो जाएगा, मैं 1-2 दिन में पता है ढीला भी क्यों हूँ, मतलब ढीला सा क्यों हो रहा है, उसका एक कारण ये है बच्चा कि 1 तारीख से शेड्यूल बदल जाएगा, मेरी क्लास 12 बजे हो जाएगी, विवेक जिंदाबाद, आराम से रात तक पढ़ाएगा, सुबह आराम से सोएगा और 12 बजे आके अच्छे से डिलीवर कर देगा 2 घंटे की चीज़ों को 1 घंटे में। और कल लंबा लेक्चर होगा केमिस्ट्री का, याद रखना, सुबह लिख लो कॉपी में, नोट कर लो, कल हम लोग मैराथन करेंगे केमिस्ट्री की भी, 4-5-6 चीज़ें हैं जो मतलब लॉजिकल हैं, उन सबको कल मैं निपटवाऊँगा, क्लियर है। हाँ बच्चा, हिंदी की बात बता रहा हूँ, परेशान मत होइए, हिंदी की बात बता रहा हूँ, मैं हिंदी में बोलता चल रहा हूँ। देखो, फॉर्मूले तो आपको इंग्लिश में करने होंगे, अब मैं लोहा ऑक्साइड तो लिख नहीं सकता, Fe3O4 ही लिखूंगा या FeO ही लिखूंगा, समझना, ये बता दूंगा, हरा कांच बनाने में या फेरिक नमक बनाने में, इस तरह से, तो उसे लिखते चलो, परेशान मत हो, जिसका फर्स्ट डे उसका वेलकम। बेटा बता रहा हूँ हिंदी में, परेशान मत हो ना, अभी मैं क्या कह रहा हूँ, हिंदी के लिए परेशान मत हो, ठीक है, परेशान मत होना हिंदी के लिए, मैं अभी हिंदी में बोलता चल रहा हूँ, आप लोग हिंदी में बोलता चल रहा हूँ तो उसको हिंदी में आप कर लेना, ठीक है। तो लिखिए सबसे पहले FeO, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड हरा कांच बनाने में, और फेरिक सॉल्ट नाम का एक लवण होता है, नमक होता है, तो हरा कांच बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है, फेरिक ऑक्साइड का, ठीक है, किसका इस्तेमाल किया जाता है, फेरिक ऑक्साइड का। चलिए नेक्स्ट आ जाता है फेरिक, ये तो सबसे पहला हो जाता है फेरस ऑक्साइड FeO, सेकंड हो जाता है फेरिक ऑक्साइड Fe3O4, ये आता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ ऑर्नामेंट्स एंड फॉर्मेशन, ये भी सबसे पहले FeO, जिसमें इसमें जो आयरन होता है वो 2 पॉजिटिव में होता है, और ग्रीन ग्लास और फेरस सॉल्ट बनाने के काम आता है। सेकंड है फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड इस, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ ऑर्नामेंट कहने का मतलब है, गहने होते हैं ना, गहने उनके ऊपर परत चढ़ाने के लिए, उनके ऊपर लोहे की जो मतलब हल्के फुल्के गहने होते हैं उनके ऊपर लोहे की परत चढ़ाने के लिए, या लोहे के कुछ ऑर्नामेंट टाइप बनाने के लिए। तीसरा है फेरस सल्फेट, इसे मोहर सॉल्ट भी कहते हैं, फेरस सल्फेट रंग रोगन वाले उद्योग में काम आता है, रंग रोगन वाले उद्योग में, रंग रोगन होता है ना,
उसके उद्योग में मोहर सॉल्ट भी बोलते हैं, मोहर लवण, हिंदी में लिख लो मोहर लवण। बेटा क्लास चालू होगी, आप लोग रिफ्रेश कर लीजिए, आप लोगों तक तो नहीं पहुंच रही क्या? अच्छा हिंदी में आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, चलो आगे मैं हिंदी में भी करा दूंगा, अभी कर लो क्योंकि इतनी जल्दी मैं टाइप नहीं कर पा रहा था इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में। उसके बाद में आ जाता है फेरस सल्फेट तीसरे नंबर पे FeSO4.7H2O, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहर सॉल्ट में पूछ लेगा पानी के कितने मॉलिक्यूल होते हैं, तो 7 मॉलिक्यूल होते हैं वाटर के। उसके बाद में आ जाता है फेरिक हाइड्रोक्साइड। बेटा ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको नजरअंदाज मत करना, मुझे कर लेना, क्वेश्चंस को मत करना, इन फॉर्मूलेज को। नेक्स्ट आ जाता है फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH का होल थ्राइस, मतलब FeOH का होल थ्राइस क्या होता है, OH पे 1 नेगेटिव होता है और Fe पे 3, यहां पे 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। ये लेबोरेटरी में काम आता है और मेडिसिन बनाने के, दवाई बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट आ जाता है आयोडीन। आयोडीन एक एंटीसेप्टिक, आयोडीन का टिंचर लगाते हैं फोड़ा फुंसी हो जाती है, तो आयोडीन की जो क्रीम लेकर आते हैं ना फोड़े फुंसी पर लगाने के लिए, उसे बोलते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन। तो आयोडीन का इस्तेमाल I2 आयोडीन की दवा बनाने में या आयोडीन का टिंचर बनाने में जो फोड़े फुंसी पर लगाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। हाँ बेटा हिंदी में भी कह रहा हूं, हिंदी में करा दूंगा, परेशान मत हो। उसके बाद में आ जाता है ब्रोमीन BR2, ये ब्रोमीन भी डाई मतलब कलर, जहां पे रंग होता है, रंग रोगन उद्योग और लेबोरेटरी में काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है क्लोरीन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिखो मस्टर्ड गैस, हिंदी में भी ऐसे लिखो, मस्ट और डे के ऊपर राखी मात्रा, मस्टर्ड गैस। तो देखो वर्ल्ड वॉर 1 में क्या हुआ था, ये जहरीली गैस होती है, इनसे मृत्यु तक हो जाती है, इनको केमिकल वॉरफेयर, रसायन से जहां पे युद्ध लड़ा जाता है वहां इनका इस्तेमाल होता है। तो मस्टर्ड गैस किसकी होती है, क्लोरीन होती है, मस्टर्ड गैस क्लोरीन, और ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम होती है रंग वंग को हटाने के लिए क्लोरीन, और पानी डिसइंफेक्टेंट जो वाटर होता है उसको भी साफ करने के लिए, वाटर को भी कीटाणु मारने के लिए, पानी के कीटाणु। तीसरा जाता है, आठवां आ जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो देखो एक एक्वारेजिया नाम का एक एसिड होता है, किस नाम का, एक्वारेजिया। इसमें 3 पार्ट मतलब 3 रेशियो तो होते हैं HCl के, और एक होता है HNO3, मेरी बात समझ रहे हैं, 3 तो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक होता है HNO3 नाइट्रिक एसिड। तो इसमें 3:1 क्वेश्चन 3 तरीके से पूछा जाएगा कि एक्वारेजिया में HCl और H2SO4 का रेशियो क्या होता है, तो आपको आंसर देना होगा 3:1 3:1। काम क्या आता है, लोहे वगैरह को गलाने के लिए, लोहा नहीं सोना होता है ना, आभूषण बनते हैं, तो गोल्ड को गलाने के लिए, गोल्ड को मेल्ट करने के लिए ये बहुत ही पावरफुल होता है एक्वारेजिया। 3:1 HCl 3 हिस्से और 25% मतलब एक पार्ट H2SO4 गोल्ड सोने को गलाने के लिए, क्लियर है बेटा। हिंदी भी कोशिश तो करो सीखने की बाबू, मैं हिंदी में भी दोबारा करा दूंगा, मुझसे गलती हो गई, मैं सोचा कि शायद मैं आप लोगों को सिखा पाऊं, पर कोई बात नहीं, विवेक इसको हिंदी में भी करा देगा, पर अभी मैं करा रहा हूं तो अभी तो आपका पढ़ने का फर्ज बनता है ना बच्चा। नेक्स्ट आता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, पेट्रोलियम को साफ करने में, और अच्छे से स्टार लगा के लिख लो, कई बार क्वेश्चन आता है कि कार वगैरह की जो बैटरी होती है उनमें कौन सा एसिड या कौन सा अम्ल इस्तेमाल किया जाता है कार की बैटरी में, तो कार की बैटरी में कौन सा अम्ल इस्तेमाल किया जाता है, H2SO4, कौन सा अम्ल इस्तेमाल किया जाता है, H2SO4। नेक्स्ट आ जाता है सल्फर डाइऑक्साइड, बहुत इंपॉर्टेंट है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, हालांकि ये पॉल्यूशन भी क्रिएट करती है सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से, जो अम्ल वर्षा होती है एसिड रेन, भाई SO2 तो आपको हिंदी में भी SO2 ही मिलेगी सल्फर डाइऑक्साइड, तो जो अम्ल वर्षा होती है, अम्ल वर्षा में इसका काम
ये अम्ल वर्षा इसी की वजह से होती है, इसकी और नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से। और अभी यहां पर किस किस के काम आती है, एज ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट। अब क्वेश्चन आता है ऑक्सीडेंट क्या होते हैं, तो ऑक्सीडेंट वो चीजें होती हैं जो किसी को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, मतलब उसको मजबूर कर देते हैं इलेक्ट्रॉन देने के लिए। तो जो चीजें इलेक्ट्रॉन देती हैं, इलेक्ट्रॉन को लॉस करती हैं, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाल देती हैं, उन्हें कहते हैं ऑक्सीडेशन। जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं वो कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट जो एक्सेप्ट करते हैं उन्हें कहते हैं रिडक्शन। ठीक है, अब होता क्या है कि जो एक्सेप्ट करते हैं उन्हें कहा जाता है रिड्यूसिंग एजेंट, और जो देते हैं उन्हें कहा जाता है, मतलब जो देते हैं उन्हें कहा जाता है रिड्यूसिंग एजेंट, और जो लेते हैं उन्हें कहा जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका पूरा अलग सिस्टम है, इसको मैं बता दूंगा, परेशान मत होइए। नेक्स्ट आ जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। देखो जैसा हाइड्रोजन सल्फाइड है इसी तरीके से पानी है, लेकिन पानी लिक्विड होता है और ये क्या होती है, गैस होती है। तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है, हाइड्रोजन बंधन की वजह से होता है। बेटा समझ में आने के लिए इसमें कुछ नहीं है, फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले ऐसे के ऐसे पूछे जाते हैं कि भाई इसका काम क्या होता है, तो वही मैं कराने की कोशिश कर रहा हूं। ये 50 हैं, एक बार कर लो, इनमें से 5-6 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बेसिक रेडिकल, मतलब कौन सा बेस है, कौन सा एसिड है, अगर किसी में ऐसी चीजें आ जाती हैं तो वहां पे पता लगाने के लिए हाइड्रोजन सल्फाइड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट होती है सल्फर, तो सल्फर एंटीसेप्टिक की तरह भी यूज होती है फोड़े फुंसी में। और स्टार लगा के लिख लो वल्केनाइजेशन ऑफ रबड़। वल्केनाइजेशन ऑफ रबड़ का मतलब है कि रबड़ जो मिलती है हमें पेड़ से वो द्रव में मिलती है, लिक्विड में मिलती है, और उसको कठिन कठोर बनाने के लिए, हार्ड बनाने के लिए उसकी सल्फर से रिएक्शन कराई जाती है। तो सल्फर का मिलाना रबड़ के अंदर वल्केनाइजेशन, जिससे टायर वगैरह कार्बन वगैरह मिला के बनाए जाते हैं। गन पाउडर में भी इस्तेमाल की जाती है और दवाइयों में तो होती होती है। देन आ जाती है अमोनिया, तो अमोनिया ठंडक करता है, जो अमोनिया गैस होती है ये रेफ्रिजरेटर में भी इस्तेमाल होती है, तो अमोनिया का काम होता है ठंडा करना। ठीक है, इसीलिए ये आइस इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है, आइस उद्योग में। नेक्स्ट आ जाता है फॉस्फोरस, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉस्फोरस। तो 2-3 तरह का होता है, येलो ब्लैक व्हाइट रेड, लाल पीला सफेद। ठीक है, तो आपके सामने दो है, एक लाल फॉस्फोरस P4 और एक सफेद। तो लिख लो, लाल वाला इस्तेमाल किया जाता है एज अ रेफ्रिजरेंट, ठंडा करने के लिए, और माचिस में। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, माचिस में कौन सा फॉस्फोरस इस्तेमाल किया जाता है, तो लाल फॉस्फोरस। जब आप माचिस की तिली जलाते हो, मैचिस स्टिक जलाते हो, तुरंत अचानक से बहुत तेज जो आग लगती है तो क्या होती है, मैच स्टिक में रेड फॉस्फोरस होती है। रेड फॉस्फोरस तुरंत व्हाइट में, लाल तुरंत सफेद में बदल जाता है। सफेद पहले की जो माचिस होती थी उनमें सफेद का इस्तेमाल होता था, लेकिन सफेद क्या होता है, बहुत जल्दी जल जाता है, जिसकी वजह से आग लगने का खतरा होता है। तो अभी कौन सी इस्तेमाल की जाती है, रेड फॉस्फोरस। समझ में आया है ना, लाल फॉस्फोरस का इस्तेमाल होता है माचिस में। नेक्स्ट आ जाता व्हाइट, तो रेट किलिंग मेडिसन, चूहे मार दवा, चूहे मार दवा होती है जिंक फॉस्फाइड, जिंक ZINC PHOS PHIDE। तो जिंक फॉस्फाइड नाम की जो दवा होती है, चूहा मार दवा, रेट किलिंग, रोडेंटीसाइड भी बोलते हैं उसको, क्योंकि चूहों को रोडेंट कहा जाता है, तो उनके उनको मारने की दवा में भी इसी का इस्तेमाल होता है। 15वां जो पॉइंट है, प्रोड्यूसर गैस, उत्पादक गैस, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में। तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ नाइट्रोजन मिला देते हो, अच्छे से लिख लो इसको, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्या मिला देते हो, नाइट्रोजन, तो आपको क्या प्राप्त होती है, आपको क्या मिलती है, आपको मिलती है प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस, अच्छे से समझ लो, प्रोड्यूसर गैस। और प्रोड्यूसर गैस का काम कहां कहां होता है, ये मतलब एक तरीके का ईंधन की तरह इस्तेमाल की जाती है, किसी चीज को गर्म करने में सस्ता ईंधन की तरह, और मेटल वगैरह जो होते हैं धातु, इनका अयस्क वगैरह से निकाली जाती है, जैसे चिली सॉल्ट पिटर,
NaNO3 सोडियम नाइट्रेट से हमें सोडियम अलग करना हो तो ऐसी जगह हमें प्रोड्यूसर गैस का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो प्रोड्यूसर माने यहां से समझो कि नाइट्रोजन कौन लेते हैं, हरे पौधे लेते हैं, हरे पौधे नाइट्रोजन लेते हैं तो खाना बनाते हैं, खाना प्रोड्यूस करते हैं, तो वहीं से समझ लो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन प्रोड्यूस, तो प्रोड्यूसर गैस। नेक्स्ट आ जाता है वाटर गैस, तो वाटर गैस क्या होता है, पानी किसका बनता है, हाइड्रोजन का, तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन मिला दें तो क्या बन जाता है साथियों, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन मिला दें तो क्या बन जाएगा, वाटर गैस। ये भी ईंधन की तरह इस्तेमाल होती है और वेल्डिंग के काम भी आती है। दो क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं ना, प्रोड्यूसर गैस, और प्रोड्यूसर गैस में नाइट्रोजन होती है और वाटर गैस में हाइड्रोजन। क्वेश्चन कराऊंगा इसके ऊपर, कल एक भी गलत हो गया तो फिर देखूंगा आपको। वेरी, भट्टी गर्म करने, बिल्कुल सही। नेक्स्ट आ जाता है कोल गैस, कोल गैस मतलब कोयला वाली गैस, तो ये भी एक तरीके का क्या होता है, इनर्ट एटमॉस्फेयर होता है, कहने का मतलब निष्क्रिय निष्क्रिय वातावरण में इसको बनाया जाता है बिना ऑक्सीजन के। तो जब कोल को बहुत ज्यादा गर्म करते हैं उसको, उसका डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन विनाशकारी आसवन करते हैं, तब हमें कोल गैस की प्राप्ति होती है, कोक की प्राप्ति होती है। तो इतना डीपली मत जाओ, वाटर गैस हो गया, कोल गैस होती है, कोयले से प्राप्त होती है और एक ईंधन की तरह काम आती है। जहां पे कोयले की खदान वगैरह होती है उसके आसपास जो खाद बनाने की फैक्ट्री आदि होती है वहां पे ईंधन के तौर पे कोल गैस का ही इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आता है बच्चा नाइट्रस ऑक्साइड, कितना अच्छा क्वेश्चन है, हजारों बार पूछा जाता है, लाफिंग गैस, एक ऐसी गैस जिससे आपको हंसी हंसी आएगी। तो लाफिंग गैस कौन सा इस्तेमाल किया जाता है इसमें, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, कल कराऊंगा इसको, नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस, और सर्जरी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है यहां से, सोडा वाटर कि ये जो पेप्सी या सोडा वगैरह जो पीते हैं हम लोग और हमारे जो हमारा गला होता है उसको चीरती हुई चली जाती है, तो इसमें कौन सी कौन सा इस्तेमाल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होती है, पानी में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अच्छे से घुल जाती है, समझ रहे हो, तो कार्बोनिक एसिड बनता है, कार्बोनिक अम्ल H2CO3। तो ये जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होती है 19वें नंबर पर, ये सोडा वाटर और फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने के। अब कहोगे सर पीने के काम भी आती है और आग बुझाने के भी काम आती है, तो आग बुझाने के काम कैसे आती है, तो आग बुझाने के काम आती है बच्चा कि ये थोड़ी ऑक्सीजन से भारी होती है, इट इज हैवियर देन ऑक्सीजन। अगर ये ऑक्सीजन से भारी होती है तो क्या होगा कि ऑक्सीजन के जहां भी जो भी चीजें जल रही होंगी उसके ऊपर एक ब्लैंकेट की तरह जम जाएगी, उसके ऊपर एक कवरिंग की उसको कवर कर लेगी, और ये ऑक्सीजन से भारी होगी तो ऑक्सीजन की सप्लाई जाएगी कट, जिसकी वजह से जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी जलने के लिए तो आपको पता है कि विद बिना ऑक्सीजन की चीजें जलना बंद हो जाती है, आग बुझ जाती है। तो सोडा वाले जो एक्सटिंग्विशर होते हैं लाल लाल से आपको दिखते हैं ना ड्रम, किसी फैक्ट्री वगैरह में या घरों में स्कूलों में आग बुझाने वाले यंत्र, वो कौन से होते हैं, यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है सफेद सफेद सी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो फॉस्जीन गैस बनाने के लिए, ये भी एक तरीके की बहुत हानिकारक गैस है। एक और आप समझ लीजिए कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है इसके बारे में स्टार लगा के लिखिए कि ये हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है, बहुत ज्यादा नुकसानदायक। हमारे लिए नुकसानदायक क्यों है बच्चा, कि अगर मान लो इसका एक एग्जांपल दे रहा हूं बहुत अच्छा, और इसका एग्जांपल क्या है कि एक कमरा है, कमरा बंद है, आप उसमें अंगीठी जलाते हो ठंडों के दिनों में, तो क्या होता है कि कमरे में ऑक्सीजन होगी, और जब आप अंगीठी जलाओगे, कोयला जलाओगे या उसमें कोई लकड़ी जलाओगे तो आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी जलाने के लिए, तो धीरे धीरे कमरे की ऑक्सीजन हो जाएगी खत्म, और ईंधन अभी भी जल रहा है आपका, कोयला अभी भी जल रहा है, तो क्या होगा थोड़ी देर बाद कि कम ऑक्सीजन की वजह से कोयला जलने लगेगा, कोयला अभी भी जल रहा है लेकिन कम ऑक्सीजन की वजह से, और जब ईंधन को जलने के लिए कम ऑक्सीजन मिलती है तो बनाता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड। जब कम ऑक्सीजन मिलती है फ्यूल को, ईंधन को जलने के लिए, तो वो बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, और जब कार्बन मोनोऑक्साइड आदमी सो रहा है कमरे में तो ऑक्सीजन तो मिलेगी नहीं, तो उसके अंदर क्या जा रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड,
और कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रवृत्ति होती है कि वो हमारे ब्लड में घुल जाती है। ब्लड में ऑक्सीजन भी घुलती है लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड की ज्यादा ये प्रवृत्ति होती है, ज्यादा उसकी एफिनिटी होती है कि वो ब्लड में घुल जाती है और हम लोग साइलेंटली डेथ हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक, मृत्यु का कारण भी बनती है, साइलेंट डेथ, चुपचाप मृत्यु। पहले इसको सुसाइड में भी लोग यूज करते थे, अमेरिका वगैरह में पिक्चर में भी बॉन्ड ने अपने कई दुश्मनों को कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से ही मारा था और पता भी नहीं चलता कि उसकी मृत्यु कार्बन मोनोऑक्साइड से हुई है। दूसरी बात, अखबार में आपने कई बार देखा होगा कि चार लोग अंगीठी जला के कमरे में सो गए और चारों के चारों सुबह मर गए, मतलब सुबह कमरा खुला तो वो मरे हुए पाए गए। तो उसका कारण भी क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। नेक्स्ट आ जाता है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट की क्या बनती है, इलेक्ट्रोड बनती है, एनोड कैथोड बनती है ना, क्योंकि ग्रेफाइट क्या होता है, एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। देखो बाकी कार्बन में, कार्बन के तीन चार रूप होते हैं, डायमंड होता है, कोयला होता है, फुलरीन होती है और एक ये ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट में तीन कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तो आपस में जुड़े रहते हैं और एक थोड़ा सा खाली रहता है, जिसकी वजह से ग्रेफाइट थोड़ा थर्मो, अगर उसको मतलब स्टेबल देखें कि उस पर गर्मी का कितना प्रभाव पड़ेगा तो वो डायमंड से थोड़ा ज्यादा होता है। हालांकि डायमंड सबसे सख्त होता है लेकिन थर्मो उसके हिसाब से, गर्मी के हिसाब से स्टेबल देखें, तापमान के हिसाब से, तो ग्रेफाइट रहता है और इसी एक इलेक्ट्रॉन खाली रहने की वजह से ये बिजली को कंडक्ट करता है, ठीक है, इलेक्ट्रोड की तरह। और पेंसिल की नोक में भी ग्रेफाइट पाया जाता है, जो हमारी कच्ची पेंसिल इस्तेमाल करते थे बचपन में हम। नेक्स्ट आ जाता है डायमंड। डायमंड माने ये भी कार्बन का शुद्ध रूप होता है, ग्रेफाइट, डायमंड, फुलरीन, ये कार्बन के ही शुद्ध रूप होते हैं। बस इनमें जो कार्बन के एटम होते हैं, परमाणु होते हैं, वो अलग अलग रूप में पाए जाते हैं। ग्लास कटिंग, रॉक ड्रिल, मतलब चट्टान को खोदने में, कांच को काटने में। नेक्स्ट आ जाता है एलम, फिटकरी बोलते हो जिसे आप, फिटकरी बोलते हो ना एलम, K2SO4, L2SO4 का होल थ्राइस, 24H2O। तो फिटकरी में पानी कितना होता है, 24 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। जैसे थोड़ी देर पहले बताया था मोहर सॉल्ट, मोहर सॉल्ट में कितने होते थे, 7। इसी तरह एलम फिटकरी में कितने होते हैं, 24 पानी। पूछा जाता है कई बार K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, SO4 का होल थ्राइस, 24H2O, ठीक है, ये क्या हो जाता है, एलम का फॉर्मूला हो जाता है। नेक्स्ट लिखिए नेक्स्ट आ जाता है एल्यूमिनियम सल्फेट, ये पेपर इंडस्ट्री, ये भी फायर, आग बुझाने के काम में भी आता है एल्यूमिनियम सल्फेट। देन 25वें नंबर पे आ जाता है एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये पेट्रोलियम के, ये पेट्रोलियम में कहीं ना कहीं काम आता है, क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। नेक्स्ट आ जाता है मर्क्यूरिक क्लोराइड HCCl2, तो ये इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड मतलब कीटाणु मारने के काम आता है, जो कीटाणु होते हैं उन्हें मारने के काम आता है मर्क्यूरिक क्लोराइड। और जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड होती है ये भी एक तरीके का पॉइजन होता है और ऑइंटमेंट की तरह भी काम आता है, पॉइजन भी होता है और ऑइंटमेंट की तरह भी काम आता है। नेक्स्ट आ जाता है मरकरी, मरकरी माने HG, पारा। तो पारे का काम कहां कहां होता है, थर्मोमीटर में होता है और अमालगम, याद रखिएगा अगर पारे के साथ कोई चीज मिल रही है तो ऐसी चीज को अमेलगम बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जिंक सल्फाइड, ये व्हाइट कलर की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जिंक सल्फेट, इसमें 7 पानी होते हैं, ये आई में वो पिंचर सा नहीं डालते थे, जब आंखें आ जाती हैं लाल हो जाती हैं तो आई में क्या होता है, वो जिंक सल्फेट, ठीक है, व्हाइट विट्रोइल बोलते हैं इसको, सफेद रंग का होता है, जैसे CuSO4.5H2O उसको ब्लू विट्रोइल बोलते हैं, लिथोपीन या आई ऑइंटमेंट, जिंक क्लोराइड कपड़े वाले इंडस्ट्री में, जिंक ऑक्साइड ये भी ऑइंटमेंट मतलब फोड़े फुंसे की दवा, जिंक बैटरी में इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रोड की तरह, और
कैल्शियम कार्बाइड, तो कैल्शियम कार्बाइड देखो आपको पता है कार्बाइड क्या होती है, कार्बाइड होती है जो फलों को आर्टिफिशियल तरीके से पकाया जाता है, फल केले आम इन सबको पकाया जाता है ना कृत्रिम तरीके से, तो वो कार्बाइड होती है। इसमें कैल्शियम साइनाइड और एसिटिलीन गैस इन सब के काम में भी कैल्शियम साइनाइड का इस्तेमाल किया जाता है, फलों को पकाने वगैरह में भी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ये आप लोग आके मुझे बताओगे पेपर वाले दिन कि सर इसमें से एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन मिले। ये केमिस्ट्री में फॉर्मूले वॉर्मूले आते हैं, मैं जो आपको पढ़ाता हूँ वो नॉलेज के लिए होता है थोड़ा सा, उसमें से आपकी बेसिक हो सकता है उसमें से भी बहुत सारी चीजें आए। नेक्स्ट, कैल्शियम कार्बाइड किसके लिए होता है बच्चा, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम साइनाइड और एसिटिलीन गैस के लिए। नेक्स्ट आ जाता है अगला, शाबाश, ब्लीचिंग पाउडर, अच्छे से लिख लो, CaOCl2, यहां पे मैंने फॉर्मूला दूसरे तरीके से लिख रखा है, आप इसको चाहो तो CaOCl2 भी लिख सकते हो, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोला जाता है इसको, ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण, हिंदी में बोलते हैं विरंजक चूर्ण, तो कीड़े मार दवा भी होती है, इंसेक्टिसाइड और ब्लीचिंग एक्शन, रंग रोगन पेपर को साफ करने में, और ये जो आपका पानी होता है इसको साफ करने में भी ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नेक्स्ट होता है कॉमन सॉल्ट, NaCl, जो खाने का नमक होता है, हम डेली खाते हैं NaCl, और याद रखिएगा अगर NaCl खाने के नमक को पानी में घोल दो और पानी कम नमक ज्यादा, तो जो घोल मिलेगा आपको उसे बोलते हैं ब्राइन, ब्राइन, उसी ब्राइन में जब ये क्लोरीन गैस जब उसी ब्राइन में से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो सोडियम अलग हो जाती है, क्लोरीन अलग हो जाती है, और क्लोरीन को समझ रहे हैं, जब क्लोरीन को CaO मतलब सिलेक्ट लाइम में से पास करते हैं तो भैया तब हमें मिलता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बीच बीच में करते चलेंगे और बाद में आगे भी आएगा ये टॉपिक। आगे आ जाता है कैल्शियम सल्फेट, CaSO4.2H2O, इसको जिप्सम बोलते हैं, ये जो आपको 37वें नंबर पर लिखा हुआ है ना 37th पर, इसे बोलते हैं जिप्सम, CaSO4.2H2O। तो जिप्सम क्या होता है, जिप्सम का काम आता है सीमेंट इंडस्ट्री में, आगे पढ़ोगे कि जिप्सम के अंदर अगर आप गर्म करते हो 120 डिग्री पे तो आपको मिलता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, तो ये होता है जिप्सम सीमेंट में। अगला है कैल्शियम कार्बोनेट, टूथपेस्ट होता है टूथपेस्ट, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। आगे है कॉपर सल्फेट, ब्लू विट्रोइल बोलते हैं इसको, ये भी कीड़ा मार दवा है, और इलेक्ट्रिक सेल के अंदर जो ये हमारे सेल होते हैं इनमें भी CuSO4.5H2O पाया जाता है, कैल्शियम सल्फेट। आगे कप्रिक ऑक्साइड, CuO, पेट्रोलियम को प्योर करने में, और ब्लर और ग्रीन ग्लास जो होते हैं, जो ग्रीन ग्लास होता है उसको बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, मतलब ग्रीन ग्लास को बनाने में फेरस ऑक्साइड FeO और CuO कप्रिक ऑक्साइड इनका इस्तेमाल किया जाता है। आगे है कप्रस ऑक्साइड CU2O, तो रेड ग्लास बनाने में कप्रस ऑक्साइड, अभी ग्लास का भी इसी में से थोड़ा थोड़ा पढ़ लोगे, कप्रिक ऑक्साइड ग्रीन या ब्लर ग्लास और फेरस ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड बनाने में, ठीक है, रेड ग्लास और पेस्टिसाइड। देन आ जाता है कॉपर, तो वायर वगैरह बनाने में, तार वगैरह बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है, कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से कर लो कप्रिक ऑक्साइड और इन सब के बारे में, ठीक है, अच्छे से। कॉपर का इस्तेमाल क्या करने के लिए किया जाता है, तार बनाने के लिए। देन आ जाता है सोडियम नाइट्रेट, तो NaNO3, मैंने लिखवाया था जब अयस्क लिखवाए थे कि सोडियम नाइट्रेट में से सोडियम मिलता है, इसको चिली सॉल्ट पिटर भी बोलते थे, ये जो ये सोडियम की अयस्क होती है चिली सॉल्ट पिटर। बेटा सब पढ़ाऊंगा, रेड ग्लास वेड ग्लास परेशान मत हो, जितना जो टॉपिक जहां आ रहा है थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी देना, वही उचित समझता हूं। फर्टिलाइजर बनाने में, क्या बनाने में, फर्टिलाइजर, नाइट्रेट फर्टिलाइजर जो होते हैं खाद,
आगे आ जाता है ग्लोबर सॉल्ट Na2SO4.10H2O। इनमें से एक भी क्वेश्चन आया ना तुम्हें तब इनकी वैल्यू समझ में आएगी। 10 वाटर होते हैं 10 वाटर, कहीं 17 जैसे एलम में 24 वाटर, यहां पे कितने 10 Na2SO4.10H2O सोडियम सल्फेट ग्लोबर सॉल्ट बोलते हैं। दवाई बनाने में और सस्ता कांच, सस्ता कांच जो बहुत आसानी से टूट जाता है ग्लोबर सॉल्ट। और ये है 45वें नंबर वाला, 46वें, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट, सोडियम बाइकार्बोनेट। बेटा सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में एक अंतर होता है, किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था कि सोडियम बाइकार्बोनेट में हाइड्रोजन लगा हुआ है बीच में देखो, और उसके नीचे है सोडियम कार्बोनेट, वहां पे हाइड्रोजन नहीं है, Na2CO3 है और इसमें NaHCO3, मतलब एक हाइड्रोजन इसमें लगा हुआ है। तो ये आग बुझाने के काम आता है, सोडा फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं। देखो यहां पे जो NaHCO3 है इसमें बेकिंग सोडियम बाइकार्बोनेट में क्या किया जाता है कि इसमें कोई ना कोई एसिड जो होता है जैसे H2SO4, इसकी एक बोतल भी उस लाल आग बुझाने वाले डिब्बे में रखी रहती है। जब आप उसकी सील को तोड़ते हो, जब आप उसके ढक्कन को खोलते हो, तो क्या होता है कि वो जो एसिड होता है वो इस सोडियम बाइकार्बोनेट में मिल जाता है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है सफेद रंग की और आग बुझ जाती है। ठीक है, तो और ये किस किस काम आता है, फायर एक्सटिंग्विशर, बेकरी। इसी बेकरी में क्या होता है कि जब आप इसको गर्म करते हो तब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और क्या क्या बनता है, ब्रेड बनते हैं, केक बनते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब निकलती है तो वो निकलने के लिए छोटे छोटे छेद से होके गुजरती है, और इसीलिए जो केक ब्रेड होता है उसमें छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, निकलती है तो वो उसको थोड़ा सा फ्लफी कर देती है या उसको थोड़ा सा मुलायम कर देती है केक को, और ऊपर की तरफ उठा भी देती है। तो क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा मिलाने से, इसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं, NaSCO3। ठीक है, केक वगैरह में काम आती है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से वो फ्लफी होता है। आगे आ जाता है सोडियम कार्बोनेट, जिसे कहा जाता है धोबन सोडा या कपड़े धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा कांच में इस्तेमाल होता है, पेपर में, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, लिख लो अच्छे से, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर हटाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। केमिकल फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। कल इसके क्वेश्चन पूछूंगा, और आप लोगों में से किसी ने भी आंसर देने में ऊपर नीचे किया ना, फिर आपको इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। तो Na2CO3.10H2O ये क्या होता है, वॉशिंग सोडा। बाबू इसका फॉर्मूला कल भी पूछा गया था, कल परसों एनडीए के एग्जाम में भी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2। बहुत ही ज्यादा मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करने के काम आता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन जरूरत पड़ती है तो लूज भी कर देता है, अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है, और अगर जरूरत पड़ती है तो किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले भी लेता है। कल लंबी क्लास रहेगी ना, कल सब इसको इनको कल का जो कल हम काफी करेंगे भी बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ के आने हैं। नेक्स्ट आ जाएगा हैवी वाटर ड्यूटेरियम ऑक्साइड, मतलब आपको पता है हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप होती हैं, एक को बोलते हैं प्रोटियम, एक को बोलते हैं ड्यूटेरियम, एक को बोलते हैं ट्रिटियम। तो जो उसमें दूसरी वाली है ड्यूटेरियम, इसका ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड जो होता है उसे कहते हैं हैवी वाटर D2O। ये न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक के काम आता है, मंदक मतलब मॉडरेटर, जो न्यूट्रॉन होते हैं फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन, जो तेज स्पीड से न्यूट्रॉन मूव कर रहे होते हैं उनको स्लो करने में। क्लियर है, आगे आता है रॉकेट फ्यूल लिक्विड हाइड्रोजन। तो ये जो लिक्विड हाइड्रोजन होती है ये रॉकेट में ईंधन की तरह इस्तेमाल की जाती है, रॉकेट फ्यूल। और लास्ट है 50वां, 50वां कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.10H2O, CaSO4.2H2O। जब इसको 120 डिग्री पर गर्म करते हैं, कैल्शियम सल्फेट समझ रहे हो ना, जिप्सम, इसको 120 डिग्री पर गर्म करते हैं तो आपको क्या मिलता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, जिसके स्टैचू बनाए जाते हैं, और ऑपरेशन होने के बाद में हमारे हाथ पर या जब हमारी हड्डी टूट जाती है तो उस समय जो हमारे हाथ पर प्लास्टर लगता है, तो उस प्लास्टर का नाम कहां से आया है, POP से आया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस।
हमारे घरों की छत पे अलग अलग तरह की फुलवारी जो बनी रहती हैं, फूल पत्ती, वो भी किसकी वजह से बनती है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4.5H2O, आधा पानी रहता है। और मिलता कैसे है? जिप्सम को जब गर्म करते हैं 120 डिग्री पे, ठीक है, तब मिलता है CaSO4.5H2O। अब इसमें से ये 50 है, लगभग इसमें से 10 जो हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाते हैं। अब मैं एक एक करके लिख रहा हूं, आप फटाफट बताओगे इनके बारे में, प्रोड्यूसर गैस के इन सब के फॉर्मूले जो जो मैंने उस पे लिखे हैं। प्रोड्यूसर गैस इन सब के फॉर्मूले सामने सामने लिखते रहो फटाफट। वाटर गैस जल गैस वॉशिंग सोडा धोबन सोडा। इसको हिंदी में भी करा दूंगा, मुझे पता है हिंदी वालों को प्रॉब्लम हुई होगी। मैंने सोचा क्योंकि फॉर्मूले तो फॉर्मूले होते हैं, हिंदी में बोलूंगा इंग्लिश में लिख दूंगा, पर कोई बात नहीं, मैं दोबारा कराने के लिए रेडी हूं। बेकिंग सोडा खाने का सोडा भी कहते हैं इसको। फटाफट लिखिए इनके फॉर्मूले सामने। पांचवा ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण लिखिए। शाबाश, बहुत अच्छे, वेरी गुड। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। बहुत से बच्चों भी मुझे दिख रहे हैं, रात में भी थे, अभी भी हैं, रेगुलर जुड़े हुए हैं। आप सबका बाबू बहुत बहुत थैंक यू, कम से कम आप आ तो जाते हो, थोड़ी हिम्मत बंध जाती है, क्योंकि आप लोग इस बात को समझोगे नहीं, आप लोगों का आना मेरे लिए कितना जरूरी होता है लाइव। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, शाबाश, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो चलो बिल्कुल सही लिखा है आप लोगों ने, ज्यादातर ने। प्रोड्यूसर कहां से आती है? पेड़ पौधे प्रोड्यूस करते हैं ना, क्या लेके? नाइट्रोजन। कितना अच्छा हो गया, CO+N2। पानी किसका होता है? हाइड्रोजन, CO+H2। वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O, याद है ना, पानी कितना होता है? 10, ये बहुत पूछा जाता है। बेकिंग सोडा NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, कौन सी गैस निकलती है? वो कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से केक वगैरह उठ जाते हैं, फ्लफी हो जाते हैं। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, बहुत अच्छे, शाबाश। अब देखो नेक्स्ट बताओगे आप लोग, नेक्स्ट बताओगे माचिस में फॉस्फोरस कौन सा इस्तेमाल होता है? फॉस्फोरस, व्हाइट, रेड, ग्रीन, ब्लू, फटाफट लिखो सिर्फ आंसर। माचिस में कौन से फॉस्फोरस का इस्तेमाल होता है? आगे बताओगे चूहा मार दवा, रेट किलिंग, बताया था ना भी आपको, एक दवा का नाम बताया था, रेट किलिंग। तीसरा बताओगे आप लोग मस्टर्ड गैस क्या होती है। नेक्स्ट बताओगे, अब आप वो आंसू गैस वाली होती है ना, वो कई तरह की होती हैं, तो उनमें आप कंफ्यूज मत होना, उनके वो 10-12 तरीके की जो आंसू गैस होती है उन्हें मैं लिखवा दूंगा। उसमें पेपर गैस भी होती है, पिक्रिन भी होती है, कई तरह की होती है। मस्टर्ड गैस क्या होती है, किसकी होती है, फटाफट बताओ। नेक्स्ट बताओगे लाफिंग गैस हंसी वाली गैस, हंसाने वाली गैस, फटाफट बताइए इनका। बहुत अच्छे, वेरी गुड। इसका नहीं बताया, मच्छर, ये वाली जो है जिंक, चूहा मार दवा, वेरी गुड, शाबाश।
बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, गुड, मैच में कौन सा होता है लाल फॉस्फोरस, लाल फॉस्फोरस, चूहा मार दवा कौन सी होती है जिंक फॉस्फाइड, जिंक फॉस्फाइड, जेड आई एन सी पी एच ओ एस पी ए पी एच आई डी, ठीक है, जिंक फॉस्फाइड। मस्टर्ड गैस कौन सी होती है क्लोरीन, और हंसी वाली गैस कौन सी होती है एन टू ओ, नाइट्रस ऑक्साइड, बहुत अच्छे, नाइट्रस ऑक्साइड। बताइए पिच ब्लेंड, पिच ब्लेंड इज एन ओर, पिंच ब्लेंड किसका अयस्क है, ओर किसका अयस्क है, मतलब पिंच ब्लेंड नाम के अयस्क से क्या मिलता है, अयस्क में कराया था ये, फटाफट से बताइए, पिच ब्लेंड नाम के अयस्क से क्या मिलता है, कौन सा एलिमेंट मिलता है, तत्व मिलता है, फिर बताएंगे ब्रास पीतल में क्या क्या होता है, ब्रॉन्ज में क्या क्या होता है, कांस्य है, फिर बताएंगे रोल्ड गोल्ड, रोल्ड गोल्ड इसमें क्या क्या होता है, यूरेनियम, पिंच ब्लेंड किसकी होती है यूरेनियम, यूरेनियम याद है ना, परमाणु रिएक्टर, परमाणु बम, या एटॉमिक पावर से जो एटॉमिक पावर होती है, न्यूक्लियर पावर जो होती है जिससे बिजली बनाई जाती है, न्यूक्लियर रिएक्टर में जो ईंधन होता है वो क्या होता है यूरेनियम, U3O8 इसका फॉर्मूला होता है U3O8। समय बताओ वल्केनाइजेशन ऑफ रबर में, वल्केनाइजेशन ऑफ रबर में कौन सी गैस इस्तेमाल होती है, वल्केनाइजेशन ऑफ रबर में कौन सी गैस इस्तेमाल होती है, रबड़ के वल्केनाइजेशन में, रबड़ का वल्कीकरण, देखो वल्केनाइजेशन को हिंदी में क्या लिख दिया, वल्कनीकरण, बताओ, वेरी गुड, फटाफट बताओ जल्दी जल्दी, शाबाश, ये क्या हो जाता है कॉपर जिंक 30% 70%, ये क्या हो जाती है कॉपर प्लस टिन 10% और ये 90%, रोल्ड गोल्ड हो जाता है कॉपर प्लस एल्यूमिनियम, ये 10% ये 90%, याद है लिखवाया था खो जाए सोने से कम नहीं, खो जाए तो गम नहीं, रोल्ड गोल्ड आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट कि उसमें कॉपर होगा 90%, रोल करके जिम में रख लिया, खो जाए तो गम नहीं और सोने से कम नहीं, तो कॉपर और एल्यूमिनियम 90% कॉपर 10% एल्यूमिनियम, वल्केनाइजेशन ऑफ रबड़, हां 88-12 भी कर सकते हो, इसे 88-12 भी कर सकते हो, मैंने 88-12 लिखवाया, लो 88-12 कर लो, ठीक है 88-12, इसमें है ना थोड़ा सा ब्रॉन्ज में हल्का फुल्का चल जाता है, 88-90 इतने ही थोड़ा बहुत चल जाता है इसमें, कई जगह मैंने देखा इसको, ये क्या है बेटा सल्फर, SULPHUR, सल्फर नाम की गैस इस्तेमाल की जाती है वल्केनाइजेशन ऑफ रबड़ में। क्लास बहुत जबरदस्त है आज की, आने वाले क्वेश्चन है एक बार रिवाइज कर लेना, जिसका
अभी ये 8-10 क्वेश्चन का टेस्ट सा ले लिया मैंने, स्कोर बता देना किसका कितना आया, याद हुए नहीं हुए, किस किस काम आते हैं ये जरूर देख लीजिएगा, बर्तन बनाने के, मूर्ति बनाने के, आर्टिफिशियल सोना के जो गहने होते हैं, रबड़ का, रबड़ को हार्ड करने में, और ये यूरेनियम में। तो मुझे एक बार बता दीजिएगा क्लास कैसी रही, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सर सब्सक्राइब कैसे करते हैं बच्चों को बताइए, इस तरीके का एक लाल बटन होगा, जो लोग नए जुड़े हैं वो लोग सब्सक्राइब करना मत भूलना, ये क्लास हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसको लोग नजरअंदाज कर रहे हैं, लेकिन पेपर में जब क्वेश्चन उनको नजरअंदाज करेंगे तो मेरी याद आएगी और फिर तुम्हारे मुंह से गाने आएंगे, फिर तुम गाने गाओगे मेरी याद में, लेकिन क्वेश्चन गलत हो जाएगा और फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए अभी से तैयारी कर लो, अच्छे से इसको पढ़ लो, जिससे कि एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। हमारी टेस्ट सीरीज है RRB ALP ग्रुप डी की, अच्छी टेस्ट सीरीज है, अच्छे क्वेश्चन है, जिन्होंने ली होगी वो बताएंगे क्या क्वालिटी है। क्वेश्चन हमने बहुत ध्यान से सेट करवाए हैं, तो एक बार उस पर ध्यान दीजिएगा, साथ बने रहिएगा। रात को 10 बजे फिर से आप लोगों के लिए मिलते हैं संविधान की अगली क्लास में, और आज संसद वगैरह ये सब क्लियर करेंगे हम लोग रात की क्लास में 10 बजे। सब लोग आया करो, देखो शौक था लोगों को, पहले दिन 2500, कल 1200, एंड तक 200 बचे, तो ये शौक होते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन याद रखना अंत में सिर्फ वह बचेगा। लाखों परेशानी जिसने झेली होंगी, लेकिन फिर भी हर बार उठने का उसने प्रयत्न किया होगा, और हर एक सिर्फ उसका, देखो जिसका लक्ष्य सिर्फ और जिसकी निगाहें सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य पे होंगी, अर्जुन की तरह, और लक्ष्य पे निगाहें रहने की वजह से ही अर्जुन चिड़िया की आंख में तीर से निशाना लगा पाया था। अगर उस पे दुनिया भर की चीजें होती, दुनिया भर की कठिनाइयां होती, तो वो भी अपने बाकी भाइयों की तरह फेल हो जाता। तो लक्ष्य पे केंद्रित होकर चलते रहो, परेशानी आएंगी लेकिन घबराना नहीं है, तभी आप आगे बढ़ोगे, वरना कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट आ जाता है, क्योंकि चीजों को बदलने का सबके अंदर नहीं होता, सब लोग कठिनाइयों से रुक जाते हैं, इसीलिए साधारण मानव और महान मानव में अंतर होता है। महान क्या करते हैं कि हर एक कठिनाइयों को अपने लिए एक चैलेंज लेते हैं और अपने आप को उनसे उबारते हैं, एक नया अपने आप में चेंज लाते हैं। और जो साधारण मानव होता है वो जिस ढर्रे पे चल रहा है, इनर्शिया उसके अंदर उसको बदलने नहीं देता। कल क्या पढ़ के आओगे, 3-4 चीजें, कौन कौन सी, एक तो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ के आओगे, केमिकल बंधन, बंधन क्या होते हैं, केमिकल बॉन्डिंग। दूसरी चीज पढ़ के आओगे सॉल्यूशन वगैरह क्या होते हैं, विलयन विलायक, ठीक है, ये सब पढ़ के आओगे। तीसरा, कल लंबी क्लास रखूंगा, ठीक है, लंबी क्लास होगी तो उसी हिसाब से आना, और रिएक्शन वगैरह भी देखता हूं, और भी एसिड बेस वगैरह भी बहुत सारी चीजें कंप्लीट कराऊंगा। सोचता तो बहुत हूं लेकिन वो थोड़ा सा थक जाते हैं तो उसकी वजह से चीजें क्लियर नहीं हो पाती। तो ये सब पढ़ के आइएगा कल वाली क्लास के लिए, और रात को 10 बजे मिलते हैं। लाइक शेयर और कमेंट करना नहीं भूलना बच्चा, ये ही चीजें आपको आगे बढ़ाएंगी। भाव रखो, भाव के साथ ही विजय होती है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर रात को 10 बजे और कल सुबह 9 बजे वाली क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।